बहुत दिनों के बाद दोस्तों पैदल चल रहा हूँ दोपहर में, और स्कूटी वगैरह तो हवा का लीकेज है और टायर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए कल बहुत ज़्यादा डिलीवर देने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। ओके दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रतीक्षा करते हैं, और करीब करीब अभी दोपहर का 1 बज रहा है, बोट मिलते मिलते करीब करीब देर बज जाएगा भाई। तो वहाँ पर जाके मैंने पूछा कि आप 1:30 बजे आ जाइए तो रिपोर्ट ले जाइए, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या बताऊँ, मैं टाउन पे आ चुका हूँ और ब्लॉग यहाँ से शुरू करता हूँ दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ टाउन पे क्योंकि भाई मेरे बहन का जो सोनोग्राफी है वो करना है। परसों बहुत ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब हो गया था, पेट दर्द की वजह से भाई डॉक्टर भी जाना पड़ा, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको सोनोग्राफी करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं सोनोग्राफी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और फिलहाल अभी प्रतीक्षा के सिवा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा हम लोग चले तो गए, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होगा था जाके। ओके दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रतीक्षा करते हैं, और करीब करीब अभी दोपहर का 1 बज रहा है। फिलहाल थोड़ा सा दुकान से कुछ रोटी वगैरह तो खा लिया है, और रिपोर्ट मिलते मिलते करीब करीब 1:30 बज जाएगा भाई। तो वहाँ पर जाके मैंने पूछा कि आप 1:30 बजे आ जाइए तो रिपोर्ट ले जाइए, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा दोस्तों, वेट के सिवा कुछ नहीं। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो देखो चारों तरफ का नज़ारा भाई, यहाँ पर दुकान के सामने बैठा हूँ अभी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और ये है, यहाँ पर सोनोग्राफी किया था, तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। ओके, फिलहाल दोस्तों रिपोर्ट वगैरह मिल गए हैं, तो अभी जा रहा हूँ घर। बहुत ज़्यादा धूप निकल गया है दोस्तों। तो थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि रेंट हाउस जो है ना, तो वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरा परिवार, तो वहाँ पर जाएंगे दोस्तों। बहुत दिनों के बाद दोस्तों पैदल चल रहा हूँ दोपहर में, और स्कूटी वगैरह तो भाई घर में भूल गया हूँ, और ऊपर से थोड़ा सा हवा का लीकेज है और टायर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए कल बहुत ज़्यादा डिलीवर देने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। अभी लगभग 1 किलोमीटर चलना है, तो उसके बाद एक साथ में जाएंगे घर। और ऊपर में देखो दोस्तों, बांस से बनाया हुआ डेकोरेशन, क्योंकि नेक्स्ट महीने में भाई दुर्गा पूजा होने वाला है, तो देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया दिया है भाई बनाया है, और आधा आधा यहाँ पर अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। वाओ। ओके, फिलहाल टाउन से अभी घर जा रहा हूँ, पूरा दिन गर्मी में भाई एकदम टाउन में घूमते घूमते पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो फिलहाल स्कूटी जो है ना दीदी के घर में छोड़ के आया था,
तो अभी स्कूटी वगैरह लेके जा रहा हूँ। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। वाह, ओके, फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा अंधेरा है ना, तो फ्लैश लाइट लगा के जा रहा है भाई। ओके दोस्तों, अभी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लिया है 100 रुपीस का। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं घर, गांव पे जाना है भाई। और देखो अंधेरा अंधेरा। ओके, अभी लगभग बज रहा है रात का 8 बज रहा है, और भाई पहुँचते पहुँचते 1 घंटा तो लग जाएगा टाउन से भाई पूरा। फिलहाल कोई बात नहीं, रास्ता तो भाई कैमरा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहली बार रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई, पूरा अंधेरा में कुछ देखने में कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो आप लोग ज़रूर से थोड़ा सा मैनेज कर लेना। देखो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, पूरा जंगल ही जंगल इस साइड में पूरा जंगल ही जंगल। दिन में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, रात में बहुत ही भयंकर लगता है भाई। और अकेला अकेला मैं अभी जा रहा हूँ राइड करके, तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है भाई। चारों तरफ जंगल ही जंगल है भाई, बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, पूरा डेंजरस।